আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি মামাটার গ্রাউন্ডে। আমাদের সঙ্গে ইনভেস্টর প্রতিনিধি সবাই আছেন, দীপক ভাই আছে, কনিক্স ভাই আছে। আমরা দোদুল্যমান অবস্থায় আমরা সমর্থকরা অপেক্ষা করছিলাম যে আমরা কখন ইনভেস্টরকে পাব। তো আমরা এই মুহূর্তে ইনভেস্টরের গতিবিধি সম্পর্কে আমরা যে আগামী দিন কীভাবে মামাটানের সঙ্গে থাকছেন সেটা আমরা জেনে দিচ্ছি। কনিক্স ভাই, আপনারা এই মুহূর্তে কী ভাবছেন মামাটান ক্লাব নিয়ে? नहीं, मोहम्मदान में थोड़े अप एंड डाउन्स हैं, उसको डिस्कस करने के लिए आए थे और पूरा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो जल्दी निकालेंगे। इस फैमिली का, पूरे फैन क्लब का हमारे साथ हमारा साथ है ही, और प्लस हम सबको वादा भी करना चाहते हैं कि क्या नाम है, जब हम इस सोल्यूशन को करके नेक्स्ट सीजन में आएंगे तो बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ आएंगे और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएंगे। और जो भी अफवाहें फैल रही है, जैसा भी है, हम कहीं नहीं जा रहे, इसी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रहे और फैमिली के साथ रहे और अगले सीजन के अंदर आप लोगों को पक्का वाली दिवाली दिखाए जो हम बहुत सालों से। इस बार जो क्लब में चल रहा है ये जो प्रॉब्लम, ये कितना दिन तक सॉल्व हो सकता है? हम लोगों का आप लोगों को वादा है कि वी विल नॉट टेक मोर देन 5 days। 5 दिन है, इस 5 दिन के अंदर आपको सारी न्यूज। दीपक भाई, हम लोग अभी दीपक भाई से बात कर लेंगे। दीपक भाई, ये जो आप इतना साल मोहम्मदान के साथ है, इस बार जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप सपोर्टर लोगों को क्या बताएंगे, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि परेशान नहीं होना है, क्लब को एक बेटर स्ट्रक्चर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ओवरऑल क्लब का ही बेनिफिट होगा। ठीक है, एक आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है एंड होपफुली हम अपना एक प्रपोजल भेजेंगे और उस प्रपोजल में बैठ के डिस्कस करेंगे। और हमने फिक्स किया है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर जो भी है वो डिसीजन लेके और एक नए स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट सीजन को एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग टीम बना के जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम वापस आएंगे। और इसलिए जस्ट कुछ दिनों का इंतज़ार है, 6 से 7 दिन के अंदर हमारा डिसीजन आ जाएगा। Very good evening, and I would like to ask just 2 questions for you. This was your first meeting with us, the fans. Yeah. So how did you feel? I really feel great about Mohammedan Club and the kind of support we have expected and the emotions that carry for the Mohammedan Club. It's really great and looking forward to work together for a longer period of time and looking for the milestones to be there.